हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते. मेरा नाम है एडवोकेट पीयू रत्नानी. ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तो प्रिपरेशन आप करती होंगी, तो मैंने सोचा कि एक सिलेबस प्लस में मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में कुछ ऐसा शेयर करूं कि आपकी एग्जाम्स के लिए आपको समझ में आए कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है और किस तरीके से आप अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस तरीके का आपका पेपर जो होगा आपके सामने होगा. तो लेट अस बिगिन. फॉर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आपको सिलेबस क्या है? माई नेम इज एडवोकेट पीयू रत्नानी. अगर आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को लेकर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल ऑप्शन को ऑन कर लीजिए. आपको हर वीडियो एवरी डे मैं अपलोड करूंगी. तो देखिए, ये आपका एग्जामिनेशन हॉल बहुत ही खास होता है, बिकॉज यहाँ से आप लोगों का करियर बिगिन होता है. तो लेट्स स्टार्ट विथ योर करियर. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल फॉर योर फ्यूचर. ये है आपका सिलेबस. क्या सब्जेक्ट्स आएंगे देख लीजिए आप. कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का कितने मार्क्स के लिए आने वाला है, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट को लेकर, फैमिली लॉ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, कंपनी लॉ, एनवायरमेंट लॉ, साइबर लॉ, लेबर लॉ, लॉ ऑफ टॉट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, लैंड एक्विजिशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस. तो ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप. आगे बढ़ते हैं. मैं आपको दिखाती हूँ कि आप जब आपका एग्जाम की रिजल्ट आती है तो आप इस एनरोलमेंट के बाद एक बार का मेंबर बन जाते हो. ओके, सी, हियर इज योर डेट ऑफ बर्थ एंड हियर इज योर रिजल्ट. नाउ लेट अस बिगन विद क्वेश्चन नंबर वन. तो क्वेश्चन नंबर वन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ एडवोकेट टू द कोर्ट. अभी कौन सी ड्यूटी नहीं है, तो टू कमिट अ ब्रीच ऑफ सेक्शन 126 ऑफ एविडेंस एक्ट. अब यहाँ पर क्या है ना कि देखो, आपने अगर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बारे में अगर थोड़ी सी भी जानकारी रखी होगी तो इसके अंदर आपको काफी सारी बातें पता होनी चाहिए कि एक्ट इन अ डिग्निफाइड मैनर, आपको एज अ डिग्निफाइड मैनर कोर्ट में चलना है, रिस्पेक्ट द कोर्ट. अगर आप ही कोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो फिर जो लिटिकेंट्स होते हैं वो क्या करेंगे, है ना. रिफ्यूज एन इलीगल मैनर टुवर्ड्स द ओपोजिशन, रिफ्यूज टू रिप्रेजेंट क्लाइंट्स हु असिस्ट ऑन एन अनफेयर के ऊपर, अपियर इन अ प्रॉपर ड्रेस कोड, रिफ्यूज टू अपियर इन अ प्रॉपर रिलेशंस, नॉट टू रिप्रेजेंट एस्टैब्लिश टू एस्टैब्लिश व्हाट ही इज टू अप्लाई, और उसके बाद में आप देखेंगे कि नॉट टू अपियर इन द मैटर्स ऑफ पेक्यूनरी इंटरेस्ट जिसमें है, ठीक है, माल है तो ताल है, बैंक ट्रस्टी पिटीशन की बात कर रही हूं मैं, नॉट टू स्टैंड एज अ श्योरिटी फॉर क्लाइंट. ये तो आप लोगों को पता ही है कि श्योरिटी एज अ क्लाइंट आप नहीं खड़े हो सकते, है ना. तो मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर टू क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स ऑफ चैप्टर नंबर टू ऑफ पार्ट फोर, सॉरी पार्ट सिक्स ऑफ द बार काउंसिल रूल्स डील्स विद द ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी रिसीव फ्रॉम क्लाइंट. अब ये आपको क्या बोल रहा है, रूल नंबर 25 की बात कर रहा है. अगर आपने बार काउंसिल रूल्स को पढ़ा होगा, कौन से रूल्स को पढ़ा होगा आपने, बार काउंसिल रूल्स को अगर आपने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन को आपको समझने के लिए बहुत आसान होगी, क्योंकि एन एडवोकेट शुड कीप एन अकाउंट्स ऑफ द क्लाइंट. ठीक है, इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे ज्वाइन कीजिए, तो मैं आपको और भी डिटेल में समझाऊंगी. ठीक है, नाउ द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द डवरी इज गिवन अंडर सेक्शन. अब ये तो मतलब है द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है. 303 आईपीसी के बारे में बात कर रहा है, जो डवरी डेथ के बारे में. अगर आपने डवरी डेथ के बारे में पढ़ा होगा तो आई डोंट थिंक सो कि ये आपके लिए मुश्किल होगा. ठीक है, 304B इंडियन पीनल कोड, जो कि आपको डवरी डेथ के बारे में बताता है, व्हेन द डेथ ऑफ द वुमेन इज कॉज्ड बाय द बर्न्स और बॉडीली इंजरी और कॉजेस अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस 7 साल के बाद तक. आपको तो पता है डवरी प्रोविजन एक्ट, अगर आपने सेक्शन नंबर 2 को भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, सेक्शन नंबर 2 को पढ़ा है ऑफ डवरी प्रोविजन एक्ट 1961, ये वहां से भी आपको एक क्वेश्चन बन के यहाँ पर आ सकता है. क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज डिजाइन टू कब द एंटीसिपेट. यहाँ पर आप देखेंगे कि
इन्फेंट होमोसाइड के बारे में बात किया गया है, जो कि आप सेक्शन नंबर 315 आईपीसी में पढ़ते हो कि जो एक्ट किया जाता है टू प्रिवेंट अ चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और कॉज टू डाई आफ्टर द बर्थ, ये है ना आप लोगों को 315 आईपीसी ये सेक्शन के बारे में आपको बताता है इन्फेंट होमोसाइड में, कि इंटेंशनल किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, ठीक है, ये इंटेंशनल किलिंग के बारे में आपको बताता है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि 315 आपने तो पढ़ा होगा, 313, 315 बहुत सारे जने वहां पे अवॉइड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंफ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क। अब रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क को देखकर आप देखेंगे यूज ऑफ अ मार्क आइडेंटिकल टू द ट्रेडमार्क, एडवर्टाइजिंग ऑफ दैट ट्रेडमार्क, यूज ऑफ ट्रेडमार्क बिजनेस, तो ये आंसर तो ऑल ऑफ द अबव आता है, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी गुड्स विदाउट ऑथराइजेशन आप यूज करते हो तो ट्रेडमार्क तो आपको लगता ही है। तो कहाँ पे पढ़ते हो आप, सेक्शन नंबर कहाँ पे पढ़ोगे आप, सेक्शन नंबर 29 के, ट्रेडमार्क्स एक्ट के एक्ट नंबर 1999 में, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन अंडरगोइंग अ लाइफ इंप्रिजनमेंट इफ अटेम्प्ट्स टू कमिट अ मर्डर एंड हर्ट इज कॉज देयर बाय ही मे बी अपॉइंटेड पनिश्ड। अब यहाँ पर अगर ऐसी बात है तो कौन 307 को नहीं समझ रहा है यहाँ पर, तो ये कौन सी बोल रहा है, 307 आईपीसी के बारे में बता रहा है आपको, ठीक है। 307 तो आपको हर किसी को पता है, मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रेसिडरी पावर्स इन इंडिया में भी एक्सरसाइज बाय, अब यहाँ पर अगर आपने जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 248 को पढ़ रखा है तो 100% आपको पता होगा कि पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर होता है इन रिस्पेक्ट टू एनी मैटर, किसी भी मैटर, जो कि कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बारे में आपने तो पढ़ा ही होगा, है ना। फिर देखते हैं पनिशमेंट ऑफ विच ऑफेंडर लायबल अंडर प्रोविजन ऑफ आईपीसी। यहाँ पर ऑफेंडर्स जो होते हैं, अगर आपने इस सेक्शन नंबर 53 को पढ़ा है तो आपको ये बिल्कुल समझ में आता है कि डेथ होने दीजिए, रिगरस होने दीजिए, फोरफीचर होने दीजिए, सभी के सभी जो है वो सेक्शन नंबर 53 में आते हैं, है ना। अगर आपने फर्स्टली पढ़ा होगा, सेकेंडली देखा होगा, फोर्थली देखा होगा, तो 100% फिफ्थली सिक्सली आपने ये पढ़ा है तो सेक्शन नंबर 53 आपको बताता है। 53 सेक्शन ऑफ आईपीसी आपको इस बारे में पूरी जानकारी देता है। नाउ अब आगे देखते हैं एम नॉर्टन रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ। अब ये एम नॉर्टन रूल जो था ना, इसको टेस्ट करना था फॉर द क्रिमिनल इंसेनिटी। अब देखो ये जो रूल है ना, ये किस लिए आया था, इंसैनिटी को लेकर, ठीक है। ये इंसैनिटी का रूल था कि हमको पता चलता है कि जो क्वालिटी ऑफ द पीपल है, अगर उसने समझो गलत नहीं किया है तो कैसे पता चलेगा, तो ये रूल इसमें एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। चलिए, एंश्योरिंग द सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज इन द प्राइमरी पर्पज ऑफ दी। अगर आप लोगों ने फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को लेकर पढ़ना है आपको, तो आपको समझ में आएगा कि ये सेक्शन नंबर जो फैक्ट्रीज एक्ट की बात कर रहा है, सेक्शन नंबर 7A में आता है। तो देखो आप उधर बुक्स को ऐसे सर्वे करते जाओगे, क्वेश्चन ही नहीं बता रहेगा, तो आप कौन सी बुक में ढूंढोगे, फैक्ट्रीज एक्ट को पूरा देखोगे क्या बैठ के? तो बी प्रिपेयर्ड सो दैट यू कैन, क्योंकि वहां पे टाइम बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है। आई एम सॉरी टू टॉक इन बिटवीन, इन केस वेयर द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द टीचर्स आर नॉट अ वर्कमैन, कौन से केस में बताया गया था, ठीक है। ये जो केस है ना, सुंदरलाल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा, AIR 1988, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1700, इसमें कहा था इवन दो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैज बीन ट्रीटेड एज एन इंडस्ट्री, द टीचर्स एम्प्लॉयड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वेदर द सेड इंस्टीट्यूशंस आर प्राइमरी सेकेंडरी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, कैन नॉट बी कॉल्ड एज वर्कमैन। ये कौन से सेक्शन में दिया गया है आपको, यहां पर मैं आपको बता देती हूँ, सेक्शन नंबर 2 में बताया गया है, 2KS में देख लेना, ऑफ दी वर्कमैन एक्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अंडर द सेक्शन 2CC ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 क्लोजर मींस। अब यहाँ पर 2CC की बात की गई है, द परमानेंट क्लोजिंग डाउन, यहाँ पर आपको बता रहा है कि परमानेंट क्लोजिंग डाउन के बारे में आपको बता रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट ऑन द पार्ट देयर ऑफ। इसको आप 2CC में पढ़ते हो तो आप क्या करोगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को बैठ के वहां पे छान मारना और देखना कि भाई क्लोजर कहाँ पे है, परमानेंट क्लोजिंग डाउन द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। इंटरनल मैनेजमेंट एंड द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पर अगर आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन
अगर आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा होगा, सेक्शन 2K 5 में आप देखेंगे कंपनीज एक्ट 2013 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी ओरिजिनल फ्लेम होता है, अल्टर्ड होता है टाइम टू टाइम, इनका प्रीवियस कंपनी के बारे में यहाँ पे बताया, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी को रिलेट करता है कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन नंबर 2K 5, पब्लिक लाइबिलिटी एंड इंश्योरेंस एक्ट। नाउ 1991 में ये जो पब्लिक इंश्योरेंस के बारे में आपको पढ़ना है, इसको मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक्ट नंबर 6 है और ये 1991 की एक्ट है। तो भाई पब्लिक इंश्योरेंस एक्ट को भी देखिए, वहां ढूंढते नहीं बैठ पाओगे। एनवायरमेंट इम्पैक्ट इज अ मैंडेटरी अंडर, अभी देखो ये EIA एनवायरमेंट के बारे में जो यहाँ पे बताया गया है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, एयर एक्ट है, वाइल्ड लाइफ है या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ऑफकोर्स है यार, अगर लॉजिकल लगाने जाओगे तो इट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, लेकिन इसे ऑन 27 जनवरी 1994 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट को लेके आया गया था अंडर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो कि आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस के बारे में बताता है, जिसको आप शेड्यूल नंबर 1 में देखोगे। चलो, अ रेफरेंस कैन बी मेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस। अब रेफरेंस को लेकर सबॉर्डिनेट कोर्ट जो होता है वो रेफर करता है ना जो केसेस होते हैं हाई कोर्ट के, और लेटर ओपिनियन फॉर्म करता है। तो इसको आपने कहाँ पढ़ा है भाई? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप मेरे से सीपीसी पढ़ लीजिए तो आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑर्डर 1251 मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, चेक करके देख लीजिए। 17, क्वेश्चन नंबर 17, अ पर्सन कैन अप्लाई अ रिव्यू ऑफ द जज। अब रिव्यू के ऊपर है ना बहुत सारे ओपिनियंस डिफर करते हैं। इफ ही इज अग्री बाय द डिक्री, ऑफकोर्स ही इज अग्री बाय द डिक्री, ही इज अग्री बाय द डिसीजन, तो ऑल ऑफ दी अबव। अगर आपने डिक्री नहीं पढ़ा है, रिव्यू नहीं पढ़ा है, तो प्लीज सीपीसी मेरे से पढ़ लीजिए 114, जो कि सीपीसी बताता है आपको डिक्री क्या होती है, डिक्री कैसे पास की जाती है, डिक्री के बाद हम लोगों को, हम रिव्यू का मतलब कोर्ट से कहते हैं कि यू हैव मेड एन अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, है ना, तुमने गलती करी है तो तुम ही सुधार के दे दो ना, जो कि कोर्ट मानते नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द रेमेडी ऑफ रिविजन इज नॉट अवेलेबल, रिविजन इज नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पर अगर आपने, मैं आपको बता दूं कि ये तो ऑल ऑफ द अबव, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है। क्यों मैं ये कह रही हूँ? क्योंकि सिमिलरली ये 115 की बात कर रहा है, 115 ऑफ सीपीसी, ठीक है, 115 ऑफ सीपीसी के बारे में मैं ज्यादा आपको नहीं बताऊंगी, पर ये सेक्शन आपको एक्सप्रेशन बताता है, एनी केस विच आर डिसाइडेड इंक्लूड्स ऑर्डर मेड और एनी ऑर्डर डिसाइडिंग एन इशू इन द सूट और अदर प्रोसीडिंग्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन सीआरपीसी प्रोविजंस रिलेटिंग टू द पुलिस रिपोर्ट इज गिवन। अब ये तो सबसे सिंपल बात है यार, नो दिस इज नॉट द आंसर, द आंसर इज सेक्शन नंबर 173 के 2KI में, जहां पर आपको रिपोर्ट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है। यहाँ पर आपको 173(8) भी बताना चाहिए। मैं आपको बता दूं, इसको पढ़िए, अगर आप एज अ कोर्ट लॉयर हो तो मैं आपको बता दूं कि आप री इन्वेस्टिगेशन भी करवा लीजिए, और SHO के ऊपर अगर वो FIR रजिस्टर नहीं करता है तो कंप्लेन कर लीजिए। चलिए, है ना, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी डील्स विद एंटीसिपेटरी बेल। अगर आपको 438 के बारे में नहीं पता है, जिसे हम अग्रिम जामिन कहते हैं, है ना, और मराठी में क्या बोलते हैं, अटक पूर्वी जामिन, है ना, तो यहाँ पर आप सेक्शन नंबर 20 जो ये है 438, जो आपको बताता है ग्रांट ऑफ अ बेल टू अप्रिहेंडिंग अरेस्ट। अरे इसीलिए तो हम लोग जाते हैं, तो बेल हम लोग किसके पास फाइल करते हैं, एंटीसिपेटरी बेल का पावर किसके पास है, किसके पास है भाई, सेशन के पास है और हाई कोर्ट के पास है। जो हस्बैंड 498A केस में फंसे होते हैं ना, वो तो बहुत परेशान होते हैं कि हम सेशन जाए कि हाई कोर्ट जाए, तो भाई एंटीसिपेटरी बेल ले लो, वरना आपकी वाइफ की वजह से आपको जेल के हवा खाने पड़ेगी। द प्रोविजन रिलेटिंग टू द कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड एंड अ बेल बॉन्ड, आपको पता है ये बेल बॉन्ड क्या होता है, कौन देता है, श्योरिटी देता है, किस लिए देता है, क्या वजह होती है, तो 446A, आई एम सॉरी 446A जो आपको ये बताता है कि कैंसिलेशन बॉन्ड और बेल बॉन्ड को लेकर विदाउट प्रोजुराइज। अब
अगर आपने एज अ श्योरिटी दो जगह दी है तो आपको क्या चाहिए? बेल कैंसिलेशन करके चाहिए, करेक्ट बात है ना? बेल क्या चाहिए? कैंसिल करके चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा ऐसे केसेस भी है हमारे पास जिसमें श्योरिटी जाके एक जगह जाके बेल दे के आता है, फिर उसी केस के दूसरे में आके बेल देता है, तो श्योरिटी एक ही बार दी जाती है, तो आप इसको कैंसिल भी करवा सकते हैं, है ना? चलिए, मीन्स प्रॉफिट और प्रॉपर्टी मीन्स। अब यहाँ पर कोई मेसने प्रॉफिट पड़ता है, विच इज वेरी एथिकल, मुझे तो नहीं पसंद है उसको मेसने प्रॉफिट पढ़ना। इट्स अ मीन्स प्रॉफिट इफ यू कॉल इट, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू ओनली, ठीक है? तो इसमें तो आंसर है नन ऑफ दी अबाव, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता। प्रॉफिट ऑफ इंप्रूवमेंट बिल्कुल नहीं, बोते एन भी तो नहीं है, क्योंकि अगर आपने सीपीसी को मेरे साथ पढ़ा होता तो मैं आपको पूछे बिना बोल देती कि मेरे स्टूडेंट्स हो तो बिल्कुल बता दोगे कि 2K12 में हमने मेसने प्रॉफिट मींस प्रॉफिट के बारे में डेफिनेशन पढ़ा है। इफ यू नो दिस देन आंसर इज नो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब ये तो एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, हिंदू कोपासना, क्रेडिटर्स, इंटरमेडलर जो है ये हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2K11 में। पढ़िए मुझसे सीपीसी, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लेकर आपका जो कॉन्सेप्ट है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता क्या है वो ही क्लियर हो जाएगा। चलिए, विच ऑर्डर हैज बीन स्पेसिफिकली एनेक्टेड टू प्रोटेस्ट एन इंटरेस्ट ऑफ माइनर्स एंड अनसाउंड माइंड। अब ऑर्डर नंबर, ओ माय गॉड, यहां पर ऑर्डर 32 होना चाहिए, करेक्ट? ये ऑर्डर 32 जो है, अगर आपने पढ़ा है तो मुझसे पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मेरे वीडियोस को चेक कर लीजिए। ऑर्डर 32 का मैंने देखो कैसे पोस्टमार्टम कर रखा है। विच ऑर्डर ऑफ सीपीसी लेज डाउन जनरल रूल्स गवर्निंग अस प्लीडिंग्स इन अ कोर्ट। अभी ये प्लीडिंग के बारे में अगर ऑर्डर नंबर 6 नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा यार सीपीसी में? मतलब अगर प्लीडिंग ही नहीं पता कि प्लीड कैसे किया जाता है, कोर्ट के सामने आप जो प्लीडिंग्स लेके आते हो यानी अपने केस को लेके आते हो तो कैसे लेके जाओगे, है ना? लिख के, जिसे हम कह रहे हैं। नाउ सेकेंड अपील ऑफ 100 एंड सेक्शन 100 इज एप्लीकेबल। अभी ये जो है ना सेक्शन 100 सीपीसी, ये बोलता है सेकेंड अपील के बारे में, तो ये तो भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अरे इसमें तो ये आना चाहिए ना कि जो सेकेंड अपील है वो हमको क्या बोलती है, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड द बॉडी ऑफ द कोर्ट अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स एंड अपील शल लाई टू द हाई कोर्ट एवरी डिग्री पास एन अपील टू एनी कोर्ट सबॉर्डिनेट टू द हाई कोर्ट इफ द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द केस इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ अ लॉ। एक्चुअली द केस इज सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ अ लॉ फॉर्मुलेटेड बाई द हाई कोर्ट। ओके चलो, ए प्लेसेस अ मैन विद फायर मैन एट द आउटलेट्स ऑफ अ बिल्डिंग एंड टेल्स अ जेड दैट देयर बी अ फायर एट जेड इफ जेड अटेम्प्ट टू लीव अ बिल्डिंग ए। मतलब क्या किया भाई, क्यों किया? रॉन्गफुली कंफाइन। आप इसे कहाँ पढ़ते हो? सेक्शन नंबर 340 ऑफ आईपीसी पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन यूं समझ में आएगा, ठीक है? नेक्स्ट, इसका इलस्ट्रेशन भी था वहां पे, अगर आपने 340 के इलस्ट्रेशन में पढ़ा है तो सेम इलस्ट्रेशन को छाप के दिया है यहाँ पर। ए इनसाइड अ डॉग टू अ स्प्रिंग अपॉन अ जेड विदाउट अ जेड कंसेंट इफ ए इंटेंड्स टू कॉज अ इंजुरी फियर और अनायंस टू जेड। यानी कि क्या कर रहा है ए, क्या यूज कर रहा है ए, क्या यूज कर रहा है भाई? क्रिमिनल फोर्स कर रहा है, तो इसको कहाँ पढ़ेंगे हम? कहाँ पढ़ा है आपने? 350 ऑफ आईपीसी। ये प्रोवाइड करता है कि इंटेंशनली अगर कोई फोर्स यूज करता है विदाउट द पर्सन कंसेंट इन ऑर्डर ऑफ कमिटिंग एनी ऑफेंस, ठीक है? ए कॉजेज अ कैटल टू एंटर अपॉन अ फील्ड बिलोंगिंग टू जेड्स इंटेंडिंग टू कॉज एनी नोइंग दैट ही इज लाइकली टू कॉज अ डैमेज टू जेड्स क्रॉप। ए इज कमिटेड, कौन सा ऑफेंस कमिट किया? मिस्चीफ कमिट किया है। इसको कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? 425 ऑफ आईपीसी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 प्रोवाइड्स अ पावर टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू विद्रॉ इटसेल्फ एनी प्रोसीडिंग्स फॉर द डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग बिफोर एनी स्टेट बार काउंसिल। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया था ना, देखो आपको क्वेश्चन पढ़ने में कितनी देर लग रही है तो वहां पर आंसर करने में आपको कितनी देर लगेगी, तो सोचो। सेक्शन 36 के 2 में डिसिप्लिनरी पावर के बारे में आपको बताया गया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, स्टेट बार काउंसिल के बारे में पढ़ना है। और कहाँ पढ़ेंगे आप? एडवोकेट एक्ट 1961 में, ऑफ कोर्स, ठीक है? चलिए, विच ऑफ द कोर्ट और अथॉरिटी हैज अ पावर टू पनिश एनी पर्सन फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल।
अब ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में पूछा गया, तो ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल लॉ एपेलेट अथॉरिटी के बारे में बात कर रहा है या नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में बोल रहा है? तो इट इज टॉकिंग अबाउट, जिसको आपने सेक्शन नंबर 425 ऑफ कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, 2013, एक बार देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टेड इंटरेस्ट? कल ही मैंने मेरे स्टूडेंट्स को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ाया है, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें सेक्शन नंबर 19 को जोर जोर से बोलने में तकलीफ होगी, बिकॉज मैंने उनको विथ एक्सप्लेनेशन और विथ इलस्ट्रेशन समझाया था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि आपको सेक्शन नंबर 19 के बारे में बता रही है। तो ए क्या है? ए स्टिपुलेट्स दैट द टाइटल इन द प्रॉपर्टी शैल पास टू सी इफ ही मैरिज बी। वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आप उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हैं, पीसफुली एंजॉय कर सकते हैं, भले ही ट्रांसफर ही मर क्यों नहीं जाए, पर प्रॉपर्टी तो हमारी हो ही नहीं है, है ना। चलो 33 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉ ऑफ कॉपीराइट? आप देखिए यहाँ पर कॉपीराइट का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने इसको सेक्शन नंबर 28 में अगर आपने कॉपीराइट एक्ट पढ़ा होगा, तो नो डिफिकल्टी दैट देयर इज नो कॉपीराइट इन द गवर्नमेंट वर्क, समझ के ले लो हाँ, देयर इज नो कॉपीराइट इन द गवर्नमेंट वर्क इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना। देयर इज नो कॉपीराइट इन द गवर्नमेंट वर्क, ठीक, इन द रॉन्ग स्टेटमेंट है, वो इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं इट्स नॉट अलाउड, नो, वो शायद मेरा सी पॉइंट वैसे रह गया, तो इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 28 देख लीजिएगा। 34 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज अ रिलैक्सेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स? अब आपकी क्या लोकस स्टैंडी है, आप क्यों आए भाई, व्हाट लोकस स्टैंडी यू हैव? तो इसको लेकर अगर आपको पढ़ना है तो आप ये केस देख लीजिएगा। आई एम सॉरी, आई एम राइटिंग इन अ वेरी बैड वे। AIR 1981, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, पेज नंबर 344 को पढ़ लीजिएगा, जो कि आपको लोकस स्टैंडी के बारे में बताता है और बिजनेस बॉडी और इसके बारे में बता रहा है। तो स्टडी दिस केस वंस, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? कौन सा केस नहीं है भाई, इसको तो हम भूल ही नहीं सकते, केशवानंद भारती को मुझे इसके बारे में ज्यादा बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ सीनियर एडवोकेट इन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया? अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मतलब यहाँ पर मेक अ कंसेशन ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट ऑन द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम जूनियर एडवोकेट, इसको आप जरूर पढ़िएगा। जो आप पढ़ेंगे सीनियर एडवोकेट्स को लेकर, जिसको सेक्शन नंबर कौन से सेक्शन में दिया है यार, आप में से किसी को पता है? 16K3 में एंड 49K1 में ऑफ जी ऑफ द एक्ट, ओके। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन CRPC पुलिस ऑफिसर इज अंडर ऑब्लिगेशन इन्फॉर्म द अक्यूजर ग्राउंड फॉर अ बेल ऑफ राइट? अभी सेक्शन 50, 50 की उम्र में आकर बताना ही पड़ेगा कि मुझे बेल क्यों लेनी पड़ेगी। तो CRPC पढ़िए सेक्शन 50, जो राइट टू बेल के बारे में आपको बताता है। 38 देखते हैं। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कोर्ट कैन इशू एन ऑर्डर फॉर द अटैचमेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन एब्सकॉन्डिंग? सुनो सुनो गांव वालों, भाग गया है, तो इसको आप सेक्शन नंबर 83 ऑफ CRPC में पढ़ेंगे। नहीं जानते तो विजय माल्या का सुन लीजिए, तो पता ही चल जाएगा कि मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ। इनरेंट पावर ऑफ सेक्शन 482 CRPC कैन बी एक्सरसाइज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनरेंट पावर्स? द सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशन है, तो इनरेंट पावर तो हमें कहीं ना कहीं हमारे हाई कोर्ट 482 CRPC है ना। उसके बाद में इफ प्रूव दैट द मैन हैज नॉट बीन हर्ड बाय फॉर सो मेनी इयर्स, तो आप क्या करोगे भाई, अगर इतने सालों तक नहीं सुना गया है तो सेक्शन 108 एविडेंस एक्ट आपको क्या कहता है? वो मर चुका है 7 साल तक, अगर आपने, लोग तो जाके क्रियाकर्म कर देते हैं, श्राद्ध कर देते हैं, तो वो 7 साल को लेकर आपको 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में पता रहेगा, पढ़ा होगा तो बिल्कुल पता होगा। अ डम्प विटनेस इज गिवन अ राइटिंग इन ओपन कोर्ट, सच एविडेंस इज ट्रीटेड। अब ये डम्प जो है उसे ओरल विटनेस, ओरल एविडेंस कहा जाएगा, जिसको आप कहाँ पढ़ते हो भाई? 119, कौन से एक्ट में? 119 ऑफ
इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि अभी सरकार बदलने वाली है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट. अब सेक्शन 74 ऑफ इंडियन एविडेंस और डॉक्यूमेंट के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, तो ये आंसर आप रिप्लाई कीजिएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. द लाइबिलिटी ऑफ सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. तो ये तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होती है ना. अगर आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं पढ़ा उसके भी वीडियोस पढ़े हैं, देख लीजिएगा. द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 आर. अब लैंड एक्विजिशन का एन एक्ट टू अमेंड द लॉ फॉर द एक्विजिशन ऑफ पब्लिक पर्पसेस एंड कंपनीज, जिसको आप लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 में पढ़ेंगे. ठीक है, ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में सामने है. इफेक्ट क्या है नेगोशिएबल क्रॉसिंग इज मेंशन अंडर. अब नॉट नेगोशिएबल की बात की जा रही है यहाँ पर, तो सेक्शन 130 के बारे में आपको बता रहा है. चेक बेरिंग नॉट नेगोशिएबल, ये पर्सन जो भी देता है आपको पता है ना क्रॉस चेक देना पड़ता है. जनरली उसका मतलब क्या होता है, नॉट नेगोशिएबल. क्रॉस चेक इज इक्वल्स टू नॉन नेगोशिएबल, सिंपल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या डिफाइन करता है. अब ये एंडोर्समेंट इन फुल, एंडोर्समेंट इन ब्लैंक. एंडोर्समेंट इन ब्लैंक जो आए इन फुल आपको बता रहा है ये सेक्शन नंबर 16 के बारे में. सीधा सीधा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है. लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 कम्स इनटू फोर्स कब आया था ये पूछा गया है. तो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 की जो बात की गई है वो एक्ट आया था 1st day of March. ठीक है, वैसे अगर सीपीसी का बर्थडे हम लोग जनवरी में सेलिब्रेट करते हैं तो लैंड आती है मार्च में. क्यों, मार्च में ही तो हमारे अकाउंट्स की बात खुलती है ना. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कैन बी कोर्ट ऑफ सेशन, कौन सी सेंटेंसेस पास करता है, कौन सी सेंटेंसेस पास कर सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कैन बी, तो एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय द लॉ है ना, कोई भी सेंटेंस, एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय द लॉ, बट दैट सेंटेंस उसे कैसे कंफर्म करना पड़ता है, हाई कोर्ट से. तो इसको कहां पढ़ते हैं हम, सेक्शन नंबर 28 के 2 ऑफ सीआरपीसी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायरमेंट फॉर फॉरेन जजमेंट एंड अ कंक्लूसिव. यहां पर फॉरेन जजमेंट इज नॉट कंक्लूसिव के बारे में, इट इज बाय अन कोर्ट इज एन एनिमी कंट्री, इट इज बाय अन कोर्ट ऑफ एनिमी कंट्री, क्योंकि नॉट कंक्लूसिव टू बी अ कंक्लूसिव बोला गया है ना. तो यही है, इट इज बाय अ कोर्ट ऑफ, क्योंकि इसको हम कहां पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 13 के सीपीसी में. कि नाउ फर्दर बढ़ते हैं, विच वन इज अ फॉरेन अवार्ड. अभी यहां पर एन अवार्ड पास बाय द फॉरेन आर्बिट्रेशन के बारे में बोला गया है, सीधा सा हिसाब है. ठीक है, फॉरेन आर्बिट्रेशन को लेकर आप पढ़ेंगे सेक्शन 44. आप प्लीज सेक्शन नंबर 44 और आर्बिट्रेशन एक्ट को लेकर काफी टारगेट किया गया है, तो आप देख ही रहे किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं. इफ अ मैन मैरीज अ गर्ल हु इज विद इन हिज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड अ कस्टम नॉट परमिट सच मैरिज, सच अ मैन वुड बी पनिश अंडर. अब कौन से सेक्शन में पनिशमेंट होगा, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन नंबर कौन सा है भाई, सेक्शन नंबर 18 के बी में, क्योंकि 18 बी क्या बोलता है, प्रोवाइड्स अ पनिशमेंट फॉर अ जो कि कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. एवरी पर्सन, जो भी पर्सन शादी करना चाहता है जो कि सोलोमाइज की जाती है, उसको क्लॉज 3, 4 और 5 के पनिशमेबल दिया गया है. ठीक है, विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स दैट अ चाइल्ड ऑफ अ वॉइड मैरिज वुड बी लेजिटिमेट. अभी ये जायज और नाजायज की बात है ना, थोड़ी ये बात है कि सेक्शन नंबर 16 आपको बताता है, क्योंकि अमेंडमेंट्स हुए थे सेक्शन नंबर 16 में, लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन में वॉइड और वॉइडेबल मैरिज को बताया गया है, और आप इसके साथ में सेक्शन 11 को भी स्टडी करिएगा. ओके, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट एंड विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट एंड नेशनल लिस्ट. तो आप देखेंगे आर्टिकल 249 अगर आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता है कि नो मैटर वॉट इन विच ऑफ द फॉलोइंग द कोर्ट हैज लेड डाउन द राइट टू लाइफ एंड डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई. अब देखो यहाँ पर साइटेशन पूछी जा रही है, जिससे आप केस लॉ भी बोलोगे, जिससे आप ये भी बोलोगे. श्रीमती जैन कौर वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसका साइटेशन आप देख सकते हैं AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 946.
ये केस के बारे में आपने आर्टिकल, आप सेक्शन 309 भी कनेक्ट कर सकते हैं आईपीसी को, तो इसको पढ़िए। फैक्ट्स मालूम हो गए तो आपको वहां पे ये क्वेश्चन आंसर रिप्लाई करने आएगा, नहीं तो आप कहाँ ढूंढते बैठोगे। ठीक है, द क्वेश्चन वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट डिसाइडेड बाय। अब मनी बिल के बारे में अगर आपने आर्टिकल 110 पढ़ा होगा तो आपको इंडियन डेफिनेशन जो है ना, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा के बारे में बताता है मनी बिल के बारे में, तो यहाँ आप पढ़ेंगे जिसकी डेफिनेशन होती है कहाँ पे, आर्टिकल नंबर 110 में। डिसीजन ऑफ 10 शेड्यूल टेकन बाय, अब 10 शेड्यूल की डिसीजन को कौन लेता है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द हाउस। यस, क्यों, क्योंकि ये 10th शेड्यूल में दिया गया है और इसको कब किया गया था, इसके ऊपर एक केस लॉ भी थी और वो 1992 के, मैं लिख देती हूँ 1992 वॉल्यूम नंबर 2 SCC पेज नंबर 651, एक बार देख लीजिएगा। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन सीआरपीसी डील विद इररेगुलरिटीज विद विशिएट प्रोसीडिंग्स। अब इररेगुलरिटीज प्रोसीडिंग्स को सेक्शन नंबर 461, मेरे जो स्टूडेंट्स होंगे डेफिनेटली इसको बिंदास आंसर करेंगे, क्योंकि ये मैजिस्ट्रेट नॉट एम्पावर होता है, कोई भी प्रोसीडिंग्स जो ऐसे होती है वो वॉइड प्रोसीडिंग्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिक्री के बारे में बताया गया है, तो डिक्री को आपने पढ़ा होगा तो फिर आपको पता ही होना चाहिए है ना, क्या है, एन अजोडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज फ्रॉम एन अपील ऑर्डर, इसको कहाँ पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 2K2 में, सीपीसी माई फेवरेट है ना। चलिए, अगर सीपीसी पढ़ोगे तो बहुत सारे पैसे कमाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलेवेंट सिविल एंड क्रिमिनल केसेस अंडर सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और यहाँ पे आपको सेक्शन 8 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मोटिव प्रीवियस आपको प्रिपरेशन की बात कर रहा है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट की बात की जा रही है, तो 100% ये अटेम्प्ट को लेकर बोल रहा है। ओके, अटेम्प्ट कोई भी रेलिवेंसी नहीं रखता है सिविल और क्रिमिनल सेक्शन नंबर 8 से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बैटना स्टैंड्स फॉर अ बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड अग्रीमेंट, ओ आई एम सॉरी। ठीक है, इसको आप कहाँ पढ़ेंगे, ये नेगोशिएटेड अग्रीमेंट होती है और इससे आपको 1981 के बुक में बताया गया था कि नेगोशिएशन विदाउट गिविंग इन, तो इसको देखना, देखिए आपको ये क्वेश्चन कहाँ से मिल रहा है। सेक्शन नंबर 9 ऑफ आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट किससे डील करता है, तो ये इंटरम मेजर्स से डील करता है बाय द कोर्ट। आपको मैं आर्बिट्रेशन के ऊपर बहुत कुछ बताऊंगी क्योंकि आर्बिट्रेशन केसेस भी होते हैं, बैंक सीधा सीधा आर्बिट्रेशन अवार्ड ले लेती है और हम वहीं के वहीं देखते रह जाते हैं, है ना। द केस ऑफ मोहम्मद अलहाबाद खान एंड मोहम्मद इस्माइल खान इज रिलेटेड टू एक्नोलेजमेंट ऑफ पर्टिनिटी। अब ये केस के अंदर क्या हुआ था ना, कि जो अडॉप्शन को लेकर हिंदू सिस्टम एक्नॉलेजमेंट ऑफ पर्टिनिटी, अब देखो पर्टिनिटी हम डिनाई नहीं कर सकते ना, तेरा बेटा तेरे जैसा लग रहा है पर है क्या पता नहीं, तो दिस इज व्हाट द पर्टिनिटी इज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट 2017 डिक्लेयर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक 3 टाइम्स बाय मुस्लिम हस्बैंड एज अनकॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कौन सा केस था, तो ये केस तो हिस्ट्री बन चुका था, तो इसके बारे में तो मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं पता होगा, है ना। सायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको डिस्कस कर दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने डिस्कस किया था, परफेक्ट, 2017 में, और पेज नंबर 9, ओ सॉरी वॉल्यूम नंबर 9 SCC पेज नंबर 1 पे था, बिकॉज ये एक ट्रिपल तलाक को लेकर आप लोगों को पता होना ही चाहिए, ये तो क्वेश्चन जो है आना ही है आपके एग्जाम में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लैंगटन मिक्स, उबीजस उबी रेबिडियन। अब यहां पर आपने इसको, वे देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी, हमने ना इसको बहुत टाइम से पढ़ा हुआ है ना। सरदार अमरजीत सिंह कालरा वर्सेस प्रमोद गुप्ता का केस है 2003 वॉल्यूम 3 और SCC पेज नंबर 272, जिसमें कोर्ट ने मैक्सिम को रिकॉग्नाइजेशन दी थी और इस मैक्सिम का यूज मैं मेरे केसेस में बिल्कुल करती हूँ। वे देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी, जहां पर राइट है वहां तो रेमेडी होनी है ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द लैंटेड वर्ड इंजुरिया सिंस डेमनेन लिटरली क्या होता है? ये तो सीधी सी बात है, इंफ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट विदाउट डैमेज की बात की जाए, क्योंकि ये लैंटिन वर्ड्स जो यूज किए गए हैं उसके ऊपर ये क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। द प्रोविजन रिलेटिंग टू द क्लेम्स ऑफ अ ट्रिब्यूनल इज गिवन अंडर डैश ऑफ मोटर व्हीकल। देखिए यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 22 से पूछा गया है? कौन से चैप्टर से पूछा गया है जरा मुझे बताना आप, 10, 11, 12 या 22, कौन से चैप्टर से पूछा गया है? चलो यार मैं ही बता देती हूँ, क्यों मैं बच्चे बच्चों को इतना बैठ के परेशान करूँ, है ना? तो चलिए ये सेक्शन 165 से लेकर 175 की बात कर रहा है, तो मोटर व्हीकल एक्ट भी पढ़िए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज टू बोरो अ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बिकम जो हमारा यूएसए है ना, तो ये जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम यूएसए की बात कर रहा है, ठीक है? अब ये क्वेश्चन कहाँ ढूंढोगे सोचो जरा। एनफोर्समेंट ऑफ विच द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी। आर्टिकल 359, इमरजेंसी। लग गई। तो ये आर्टिकल कौन से आर्टिकल इमरजेंसी की बात कर रहा है? तो 20 और 21 की बात कर रहा है। तो देखो यहाँ पे दो आर्टिकल्स जो आपको कहीं ना कहीं प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी के बारे में पढ़ रहा है, तो आप आर्टिकल 359 को भी स्टडी करेंगे। फर्स्ट टाइम ऑफ इंडियन इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय सर जेम्स विल्सन इन दिस ईयर, कौन से ईयर में था? तो 1960, इट्स 24th of July 1860, सॉरी मेरे मुंह से 1960 निकल गया, आई एम सॉरी। तो ये 24th of July द इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। बाय इनकम टैक्स के बारे में फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया था? सीधा सीधा बात है, सर हमारे जो सर विल्सन जो है उन्होंने किया था 1860, 24th of July। नाउ दिस क्वेश्चन इज, देखो आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे कि अपना टाइम वेस्ट करोगे। इन केस जस्टिस जे शाह ऑफ सुप्रीम कोर्ट सिंस ऑब्जर्व किया बाय द एक्सरसाइज ऑफ द पावर अ सीरियस इन्वेशन इज मेड अपॉन द राइट्स ऑफ प्राइवेसी ऑफ अ फ्रीडम एंड द टैक्स पेयर, द पावर मस्ट बी एक्सरसाइज स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ फॉर द पर्पस ऑफ विच लॉ ऑथराइजेस टू बी एक्सरसाइज। आपका क्वेश्चन जो है इसको कहीं ना कहीं हम लोग अगर देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन को एक्चुअली रॉन्गली फ्रेम्ड है ये। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व सिंस द एक्सरसाइज, तो एक्चुअली तो ये आंसर नन ऑफ द अबव होना चाहिए, बट दिस क्वेश्चन ही रॉन्गली फ्रेम्ड है ये, इसको तो क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये आपसे पूछा गया है यहाँ पर। माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट टू बी रेटिफाइड अटेंडिंग अ मेजोरिटी, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट टू बी रेटिफाइड ऑन अटेंडिंग मेजोरिटी, सेम क्वेश्चन। माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेटिफाइड जॉइंटली बाय बोथ द पार्टीज, माइनर इज लाइबल अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नॉट लाइबल अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये तो सभी है ट्रू यार, दिस क्वेश्चन इज आस्ट वेरी पैथेटिकली विच इज नॉट टू बी आंसर। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन सीआरपीसी पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट एंड अक्यूज विदाउट अ वारंट। अरे ये तो कौन नहीं बता सकता है, इसको तो हमने पीएचडी कर रखी है, 41 ABCD पढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स अंडर सीआरपीसी कैन ट्राई अ मर्डर केस। अरे भाई ऐसे क्या है कि मर्डर केस नहीं ट्राई कर सकेगा क्या? ये तो किसने कह दिया? कौन सा करेगा? इनको पावर्स है क्या मर्डर केस सुनने की, है ना? कौन से सेक्शन में है, कौन से चैप्टर में है? क्या आपने 302 नहीं पढ़ रखा है? तो पढ़िए, तो मर्डर ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होता है ये पता चल जाएगा, शेड्यूल को भी देख लीजिए एक बार। द ऑथेंटिकेशन टू बी अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ एस्प्रेट क्रैप्टो सिस्टम एन हैश फंक्शन इज नोन एज। यहां पर ये डिजिटल सिग्नेचर के बारे में बता रहा है, जो कि आईटी एक्ट में हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2KP में, ठीक है? चलिए, पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। अब साइबर को लेकर भी क्वेश्चन आपके सामने है, सेक्शन 66 है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो विदाउट और विथ इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है? ये आपको बताता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, कोई भी साइबर टेररिज्म करता है तो जेल के लिए तो पैसे भी है, पर कौन सा और किस सेक्शन के अंदर आपने देख लिया। सेक्शन 2K1 में, सॉरी आईएमए ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इंडस्ट्री मींस व्हाट?
व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्री? सेक्शन 2 के जे में अगर आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ये भी है, ये भी है. तो इसको हम पढ़ते हैं सेक्शन 2 के जे में होना चाहिए, आई में नहीं, सॉरी, द क्वेश्चन हियर शुड बी जे में. तो आंसर इज सेक्शन 2 के जे में. ओके, जो इंडस्ट्री मीन्स अ बिजनेस ऑफ अंडरटेकिंग अ मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयज या किसी भी सर्विस एम्प्लॉयड हैंडीक्राफ्ट या इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन को वोकेशन ऑफ वर्क में. चलो, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो नॉट ट्रू है? अ कन्फेशन बाय अ पर्सन कस्टडी इन अ पुलिस ऑफिसर. अभी आप कन्फेशन देने जाते हो तो आपने अगर वो मूवी देखी होगी अजय देवगन की, तो मुझे ना सेकेंड क्वेश्चन बताने की भी जरूरत नहीं है. सेक्शन 25, 26, 27 को पढ़िए तो कन्फेशन का आपको क्लियरिटी आ जाएगी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द कश्मीरा सिंह वॉज इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. ये कौन सा लीडिंग केस था कश्मीरा सिंह का, जो कि आपको कन्फेशन ऑफ को अक्यूज्ड के बारे में बताता है, और इस कश्मीरा सिंह के केस को कन्फेशन ऑफ अक्यूज पर्सन इज नॉट एविडेंस में नहीं लिया जा सकता ना. ये तो आपको पता ही होगा कि को अक्यूज के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, जिसकी ये जो जजमेंट है इसको आप पढ़ेंगे AIR हमारा ऑल इंडिया 1952, और है सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर, यार ये पेज नंबर 159. आप कंफर्म कीजिएगा क्योंकि मुझे 159 याद है. आई एम नॉट श्योर अबाउट द पेज नंबर, आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट श्योर अबाउट द पेज नंबर, सो प्लीज मेक श्योर इट्स 159 ओनली, स्टिल मेक इट श्योर. अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कब आया? ये तो बोलने की बात ही नहीं है. अरे यार देखो ना, गलती के ऊपर कैसे गलती करते हैं ये लोग. तो ये 15 अप्रैल को आया 1987 में यार, नॉट 1986. ठीक है, तो 1987 होना चाहिए, और क्योंकि इसका इफेक्ट जो था ना वो 1987 में आया था. विच ऑफ द फॉलोइंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डिफाइन द टर्म कंज्यूमर. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपको, तो डायरेक्ट आप आंसर भी दोगे ऑब्वियसली. सेक्शन 2 के 1D में यहाँ पर आपको बताता है, क्योंकि ये कमर्शियल पर्पस को डज नॉट इंक्लूड करता है, और कंज्यूमर गुड्स के बारे में लाइवलीहुड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसको आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पढ़ते हैं, और सेक्शन 2 के 7 में इसको डिफाइन किया गया है. ओके, मैं आपको और एक बात बता दूं, इसको सेक्शन 2 के 7 में डिफाइन किया गया है. ओके, फाइन.